हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। स्टडी स्पेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलेमेंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इनका हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और मैं आप सबको बता दूँ कि ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस इन पे बेस्ड आ चुके हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं कर रखा है। यदि आपको ईयर पता हो, या आगे अभी वीडियो में ईयर आएगा, तो मॉलेमेंटो रिफॉर्म्स कौन से ईयर में आया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कौन से ईयर में आया था, आप ये कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इस वीडियो का अगर आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इसे एंड तक देखना पड़ेगा। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है। यदि आप एंड तक नहीं देखें तो कृपया इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मॉलेमेंटो रिफॉर्म्स को इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1909 भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहली जानकारी आपको ये जरूरी है जानना कि मॉर्ले और मिंटो ये दो लोग थे, जिसमें जो पहला नाम है मॉर्ले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और जो मिंटो है वो वाइसरॉय थे उस टाइम पे। तो इन दोनों ने मिलके एक गवर्नमेंट का रिफॉर्म लाए थे, एक एक्ट लाए थे जिसको एक्ट ऑफ 1909 भी बोला जाता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ भी पॉलिटी आती है उसके हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके जो बेसिक फीचर्स है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60। अब इन लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रहती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरह से लॉ मेकिंग बॉडी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इन लोगों ने क्या करा, सीट्स बढ़ा दी। सीट्स बढ़ाने में साफ अब देख सकते हैं मकसद यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे से हो सके, क्योंकि जब 1857 में क्रांति हुई थी, या जिसे हम सिपॉय म्यूटिनी या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, उसके बाद से ही ब्रिटिश सरकार ने जो भी एक्ट लाई है उसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोला जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करने के लिए इन लोगों ने जो सीट्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो 16 से 60 कर दी दोनों ही लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल दोनों आप समझते हैं। इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। मतलब सारा पावर तो सेंटर के हाथ में ही रहेगा, बट थोड़ा थोड़ा पावर अब ये लोग प्रोविंशियल काउंसिल्स को भी देने लग गए, मतलब स्टेट्स को भी देने लग गए। स्टेट्स में उस टाइम पे मेनली हमारे पास थे प्रिंसली स्टेट्स। तो थोड़ा थोड़ा मतलब जो लोकल इश्यूज हैं या जो भी बेसिक बातें हैं उसमें ब्रिटिशर्स ने इंटरफेरेंस कम कर दिया था। स्टिल जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो काफ़ी अपन कह सकते हैं कि पावरफुल ही था। मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रिजोल्यूशंस ऑन बजट। ये एक बहुत ही अच्छा कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। जो भी काउंसिल के मेंबर्स थे कभी भी उनको किसी भी रूल पे क्वेश्चन पूछने की आज़ादी नहीं थी। इस बार इन लोगों ने वो अलाउ कर दिया कि आपको कभी भी कुछ अगर डाउट लगे तो आप क्वेश्चन पूछिए, आप ऑब्जेक्शन रेज करिए, अपने सजेशंस दीजिए और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो वापस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉमैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको प्रिलिम्स में मिल सकता है। मेंस में आप ये चीज अपने आंसर्स में या पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करी थी और उन्हें लॉ मेंबर बनाया। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसके कारण ये लॉ या ये एक्ट बहुत ही फेमस हुआ है, और इसी पॉइंट के कारण ही जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उसके बीच डाले गए।
communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. बहुत बार repeatedly ये question आ चुका है कि separate electorate कब introduce करा गया था, तो ये act of 1909 में करा गया था, और इसका मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम मेंबर्स थे उन्हें इलेक्ट करने के लिए मुस्लिम वोटर्स ही होंगे, मतलब इन लोगों ने एक तरह से डिवाइड एंड रूल करना चालू कर दिया। और यही चीज़ आगे जाके इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसका बहुत बड़ा कारण बना। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब ये होता है कि कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शंस कराए जाएं, जैसे कोई हिंदू है तो उसे हिंदू वोटर्स ही देंगे, कोई दलित है तो उसे दलित वोटर्स ही देंगे। तो उस टाइम पे कम्युनल इलेक्टोरेट सिर्फ दो कम्युनिटीज़ का ही हुआ था, एक तो मुस्लिम और उसके अलावा बाकी जो भी सब थे वो सब हिंदू। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार्स, इन सबको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ये भी एक पॉइंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इधर से मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा एक्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसे बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1921 से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। काफ़ी अच्छे बोल सकते हैं अपन इनके जो विचार है वो लगते हैं, बाकी यहाँ भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी तो थी। स्टिल एक बार इसके फीचर्स देखते तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। इन लोगों ने पहली बार जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है उन्हें अलग कर दिया, मतलब ऐसी चीज़ें जिसका सेंट्रल लेवल पे कोई लेना देना नहीं है, स्टेट लेवल पे ही है तो उसे स्टेट पे ही छोड़ दिया गया, एंड वाइस वर्सा जो सेंट्रल लेवल की चीज़ें हैं जो अफेयर्स है उन्हें सेंट्रल लेवल पे, मतलब जो हम आज के डेट में लिस्ट पढ़ते हैं, तीन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस एक्ट के थ्रू दिया गया है। इसी को फाइनली बाद में जाके वो लिस्ट के फॉर्म में मेंशन कर दिया। ऑथोराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, सभी को ये पावर दे दिए गए, स्टेट हो मतलब प्रोविंस हो या फिर सेंटर हो, कि वो अपने लॉ खुद बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उनके लिस्ट में सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ये आ सकते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन में। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड रिजर्व सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल वो होती है जो लॉ बनाती है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, मतलब उन लॉ का जो एग्जीक्यूशन है या जो फॉलो होना है वो करती है। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स बांट दिए गए और दोनों काउंसिल को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। डायरार्की वॉज इंट्रोड्यूस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही रिपीटेडली पूछा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। सो डायरार्की मतलब होता है ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। ड्यूअल स्कीम मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे इन लोगों ने सब्जेक्ट्स ही बांट दिए, तो दो अलग अलग लेवल पे दो अलग अलग गवर्नमेंट चलेगी, स्टेट लेवल पे अलग और यूनियन या फिर सेंट्रल लेवल पे अलग। इसे बाइकैमरल लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, और फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस कराए गए थे कंट्री में। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुए थे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के टाइम पे फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे। मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पूछा जा सकता है, और जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय थे। तो आप याद करने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि जो पहला नाम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वाइसरॉय से बड़े सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं जो कि डायरेक्टली क्वीन को रिस्पॉन्सिबल थे, और उनके नीचे आता है वाइसरॉय। और कुछ फीचर्स है, बाइकैमरल लेजिस्लेशन हमने अभी देखा था कि इधर बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेशन कर दिया गया, तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसे रिप्लेस कर दिया गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर से, जिसमें दो हाउस बनाए गए, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोअर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली। सो काउंसिल ऑफ स्टेट आज के डेट में हमारा लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा जो फर्दर डिविजन हो चुका है उसी को ही काउंसिल ऑफ स्टेट उस टाइम पर बोला जाता था, और लेजिस्लेटिव असेंबली तो आज भी जो विधानसभा है वो एज इट इज़ उसी नाम से चलती, और इसमें जो मेंबर्स है वो मेजॉरिटी
के थ्रू सिलेक्ट होते थे बाय डायरेक्ट इलेक्शन, वही आज वाला प्रोसीजर है। थ्री ऑफ द सिक्स मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट था इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। छः में से जो छः मेंबर रहते थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें से तीन लोग इंडियंस होने जरूरी। इंडियंस का धीरे धीरे अब रोल बढ़ता जा रहा है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एनहेंस्ड, यहाँ पे थोड़ा सा एक और इनने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई है। पहले मुस्लिम्स और हिंदूज को बांटा था, अब सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस प्लस यूरोपियंस के लिए। तो क्रिश्चियन जो है ये वो है जो इंडियन क्रिश्चियन है, और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस वो है जो ब्रिटेन से आए हुए लोग हैं या उनकी जो पीढ़ियाँ यहाँ पे पनपने लगी थी, उन लोगों को एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट इन लोगों ने और थोड़ा सा डिटेल कर दिया, हिंदू मुस्लिम के अलावा सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस में भी कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, कम्युनल बेसिस पे इलेक्शन होता है और वोटर्स अपने जात वालों को ही वोट दे सकते हैं। क्रिएटेड अ न्यू ऑफिसर ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंडन। हाई कमिश्नर जिसको हम एम्बेसडर के नाम से भी जानते हैं, ये वही चीज़ है। तो जो इंडियन एम्बेसी है वो लंदन में इस एक्ट के बाद क्रिएट करी गई थी। एम्बेसडर बाकी सारे नेशंस के लिए होता है, और जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस है जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने राज किया है वहाँ पे हाई कमिश्नर वर्ड यूज़ होता है एम्बेसडर के लिए। पद एक जैसे है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं यूनियन लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो बना था, वो 1926 में बनाया गया था। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल प्रीलिम्स एग्जाम्स में आ सकता है, और यहाँ पे अगर मेंस में आए तो आप इसको एज अ पॉइंट फीचर्स में यूज़ कर सकते हैं। प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पिछली बार मतलब हम अभी ये देख ही रहे हैं इसमें कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन तो लेके आ गए, बजट भी अलग अलग आ गए। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि स्टेट का बजट अलग बनता है और सेंटर का बजट अलग बनता है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेचुटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स। तो इसके लिए एक स्टेचुटरी कमीशन बनाई गई। स्टेचुटरी कमीशन मतलब होता है एक लॉ अबाइडिंग कमीशन, जो कि लॉफुल कमीशन होगी, जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, इस एक्ट का एनालिसिस करेंगे। तो ये एक्ट अच्छा है या बुरा है या इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिए आया था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन हम सभी जानते हैं, बहुत नारे लगाए गए थे साइमन गो बैक एंड सो ऑन। तो उसका कारण क्या था, साइमन कमीशन में कितने लोग थे, साइमन कमीशन के क्या क्या फीचर्स थे, उनने क्या सजेशंस दिए थे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के हमारे कुछ टॉपिक्स ये भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑगस्ट ऑफ कैबिनेट कमीशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, मैं उस क्वेश्चन को फिर दोहरा देता हूँ। जो आज हमने दो एक्ट डिस्कस करे, एक तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और एक मॉले मिंटो रिफॉर्म, ये दोनों कौन से ईयर में करे गए थे, और एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं। इन दोनों एक्ट में जैसे मॉले मिंटो रिफॉर्म का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताना है कमेंट में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, जिस पॉइंट के कारण ये रिफॉर्म्स काफ़ी फेमस हुए हैं। सो जल्द से जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। All the best for your journey of becoming an officer with us. Just make yourself your competition. तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।